अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। देख रहे हैं कि हमारा यूट्यूब चैनल तो ZAS व्लॉग, तो आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट यहाँ से। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, फिर करते हैं मज़ेदार वीडियो। क्योंकि इस टाइम बारिश आ चुकी है, मैं इस टाइम पहुँच चुका हूँ शहर डीजी खान में, क्योंकि व्लॉग यहीं से स्टार्ट करना पड़ा था। दोस्त को मिलने आया था इसके पास, तो इसको थोड़ा काम शाम थी मेरी, मैंने वो कर लिया, उसके बाद इससे मिलते थोड़ा एक काम था। किस चीज़ का सीटा बना था ना भैया? पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस है जी हाँ। तो दोस्तों पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस में कुछ सीटें आई हुई हैं, क्या आप कमर्स लाजमी करें कि मुझे उसमें अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? लाजमी कमर्स में ज़रूर बताइएगा। तू अप्लाई नहीं करना क्यों यार? इकट्ठे करके नहीं मसला आएगा, कलर की सीट है सोदा एक चला है क्या? अच्छा तू तो कैरी शायद अप्लाई की नहीं करके? मैं कांस्टेबल हूं। कांस्टेबल, उम्मीद है? उम्मीद तो है। अच्छा उम्मीद नहीं हो सकता। वाक यार एयर फौजें थी वाक के ना, वो होती है। देखिए यहाँ पर बारिश आई है, कीचड़ वगैरह हो चुकी है, इस टाइम गली में सारी कीचड़ है। तो अभी मौसम भी काफ़ी अच्छा हुआ है, बिल्कुल अभी अभी बारिश आई है फुल तेज इस टाइम। तो आप देख रहे हैं वो गली वगैरह दिखा रहा हूँ यहाँ से सारा कुछ। अच्छा ठीक है दोस्तों, फाइनली देखिए बारिश के बाद वेदर कैसा, काफ़ी अच्छा हो गया आपके सामने, तो आपको वेदर भी दिखा रहे हैं। तो इस टाइम हम जा रहे हैं चाय पीने के लिए, तो वेदर के साथ साथ, क्योंकि ये जो वेदर है ना इस टाइम बारिश के बाद चाय ही ज़्यादा बेस्ट है। तो वैसे थोड़ा गला ख़राब है, गले ख़राब की वजह से चाय पी ली मैंने कहा, दोस्त ने कहा था पीना स्टिंग है, लेकिन मैंने कहा नहीं यार गला ख़राब है इसी वजह से। फाइनली दोस्तों इस टाइम पहुँच चुके हैं हम नेशनल टी स्टॉल, यहाँ पर देखें चाय बन रही है, अभी आ जाती है थोड़ी देर तक। हम इस टाइम पहुँच चुके हैं, इस टाइम हमारे पास चाय आ चुकी है, आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए चाय आ गई है, ये लड़का यहाँ से देखा चला गया है। तो अभी हम चाय पीते हैं, क्योंकि गरम गरम मौसम काफ़ी अच्छा था, तो इसी वजह से चाय पी ली इसके साथ साथ। मज़े वाली चाय है, क्योंकि नेशनल डीजी खान में काफ़ी मशहूर है इस टाइम। आप देख रहे हैं हम चाय पी रहे हैं, ये देख रहे हैं आप अली भाई बिस्किट खोल रहे हैं, बिस्किट के बगैर मज़ा नहीं आ रहा था यार, मैंने कहा बिस्किट मंगवाने साथ साथ, तो इसी वजह से ऐसे खाएँगे ऐसे मज़ा नहीं आ रहा। तो जिस भाई ने चाय पीनी है नेशनल की वो आ जाए, बिस्किट खाना है तो आ जाए, इस टाइम बैठे हुए हैं डीजे खान। दोस्तों चाय हमने ख़त्म कर ली है, बिस्किट बचा था एक दो, तो मैं तो फुल हो गया हूँ, भाई को कहा कि खा ले। तो अभी हम नेशनल टी स्टॉल से वापस करके तक रवाना हो रहे हैं। तो फाइनली यहाँ से हम व्लॉग एंड कर रहे हैं। तो शेजवान भाई आपने कौन सा मोबाइल लिया हुआ है? S22 अल्ट्रा। तो दोस्तों आपने बताना है कमेंट्स में करके, यानी कि बताना है कि कौन सा मोबाइल लेना बेस्ट है, आईफोन या S22 अल्ट्रा, क्योंकि ये तो कह रहा है काफ़ी अच्छा है, यानी कि मोबाइल तो काफ़ी ज़बरदस्त है, इसमें फ्यूचर भी काफ़ी अच्छे हैं आईफोन से भी ज़्यादा। तो आपने कमेंट्स करके लाजमी बताना है कि कौन सा मोबाइल लेना चाहिए बेस्ट। तो अभी यहाँ पर हम व्लॉग एंड कर रहे हैं, क्योंकि अभी रवाना हो रहे हैं, वापसी बाइक्स स्टार्ट कर ली है, और चलते हैं घर की तरफ। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक करते हैं अल्लाह हाफिज़। S22 अल्ट्रा तो ये मोबाइल है, तो बताना आपने कमेंट्स करके लाजमी बताना है कि ये वाला मोबाइल लेना चाहें या नहीं लेना चाहिए, या सैमसंग लेना चाहिए। तो काफ़ी खूबसूरत है, इसका रिज़ल्ट भी हम दिखा देते हैं आपको, कैसा रिज़ल्ट है यार, लॉक खोला जा है। तो यहाँ से मैं आपको कैमरे का रिज़ल्ट भी दिखा देता हूँ कि कितना इसका ज़्यादा रिज़ल्ट है, तो आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा होगा आपको, मैं एक तस्वीर बना कर ले कर देख रहे यहाँ से देख लें। तो मैंने एक तस्वीर ली है यहाँ से, काफ़ी मतलब ज़बरदस्त नज़र आ रही है, तो मतलब आईफोन से भी ज़्यादा इसके वगैरह फीचर्स भी काफ़ी अच्छे हैं। सैमसंग S22 अल्ट्रा की यार प्राइस क्या है इसकी? 2,90,000 मतलब इस मोबाइल की प्राइस है। मोबाइल काफ़ी ज़बरदस्त है, लुक भी काफ़ी अच्छी है। आप बताएँ कि मोबाइल सैमसंग S22 अल्ट्रा लेना चाहिए या आईफोन, तो लाजमी कमेंट्स करके बताइएगा।